साई एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स में आप सबका स्वागत हेलो है। बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आज लेक्चर नंबर 18 है और आज का हमारा टॉपिक है पावर मॉसफेट। बच्चों, पावर मॉसफेट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बीजेटी पढ़ने के बाद जो भी लिमिटेशंस थे बीजेटी का, वो हम मॉसफेट में दूर करेंगे। तो आइए आज फंडामेंटल लेक्चर में हम समझते हैं कि पावर मॉसफेट मॉसफेट ही क्यों कहलाता है, मॉसफेट के कंस्ट्रक्शन में ऐसा क्या क्या चेंजेस करते हैं जो बीजेटी से डिफरेंट है, एज वेल एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है मॉसफेट का। तो बच्चों, आइए अब सबसे पहले मॉसफेट का फुल फॉर्म समझते हैं। मॉसफेट एक वर्ड है जो कि 6 अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से बना है। जो पहला अल्फाबेट है दैट इज एम, और एम स्टैंड्स फॉर मेटल। बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है मेटल। मीन्स मैं मॉसफेट का जो कंस्ट्रक्शन करता हूँ, उस कंस्ट्रक्शन में जो सबसे टॉप लेयर पे मैं रखता हूँ, दैट इज मेटल, और इसीलिए हमने मॉसफेट में एम यूज किया है। सेकंड जो अल्फाबेट है दैट इज ओ, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्साइड। बच्चों, मॉसफेट के अंदर हम इंसुलेटेड गेट बनाते हैं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे हम SiO2 लेयर यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर यूज करते हैं। तो जो सेकंड लेयर है मॉसफेट के कंस्ट्रक्शन में, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मीन्स इंसुलेटिंग लेयर, ऑक्साइड लेयर, और इसीलिए मॉसफेट का जो सेकंड अल्फाबेट है दैट इज ओ। बच्चों, जो थर्ड अल्फाबेट है दैट इज एस, एस स्टैंड्स फॉर सेमी कंडक्टर। मॉसफेट के अंदर जो हम मटेरियल यूज करते हैं बनाने में, दैट इज पी और एन टाइप मटेरियल, मीन्स ये एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है, और इसीलिए जो तीसरा लेयर है वो मॉसफेट का, दैट इज सेमी कंडक्टर लेयर, और इसीलिए हमने तीसरा अल्फाबेट यूज किया एस। फिर आता है FET, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट के अंदर BJT के तौर पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इफेक्ट हम दिखाते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा मॉसफेट, मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें टॉप लेयर पे मॉसफेट, उसके बाद ऑक्साइड लेयर, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर लेयर, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, मॉसफेट के इसी तीनों लेयर के बिहाफ पे मैं यहाँ आपके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ कि मॉसफेट एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो बच्चों, अब हम पावर मॉसफेट के उन 3 इंपोर्टेंट टर्मिनल के बारे में बात करते हैं जिनको हम यूज करते हैं डिवाइस के ऑपरेशन में। तो पावर मॉसफेट के अंदर 3 इंपोर्टेंट टर्मिनल होते हैं। सबसे पहला होता है ड्रेन, दूसरा होता है सोर्स, और तीसरा होता है गेट। अब आइए हम तीनों को कोरिलेट करते हैं विद द BJT। जैसे BJT पे कलेक्टर था बच्चों, तो यहाँ पे उसके जगह पे होता है ड्रेन। जैसे BJT में एमीटर था, तो उसके जगह पे यहाँ पे हमने लिया है सोर्स, और BJT पे जो कंट्रोल टर्मिनल था बेस, उसके जगह पे मॉसफेट पे मैंने लिया है गेट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 2 टर्मिनल हैं सोर्स और ड्रेन, इनको हम बोलते हैं मेन टर्मिनल। मेन क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इन्हीं दोनों टर्मिनल को हम यूज करके बायसिंग करते हैं डिवाइस को, फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग करते हैं। तीसरा जो टर्मिनल है गेट, इस गेट टर्मिनल को हम बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल, जो कि BJT में बेस टर्मिनल कहलाता था। कंट्रोल टर्मिनल का मीनिंग ये है बच्चों कि इसी टर्मिनल को हम यूज करके डिवाइस को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने घर में TV को देखेंगे, तो आपकी TV में एक मेन पावर बोर्ड से सप्लाई आता है। वो जस्ट इमेजिन करिए जैसा हमने ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बैटरी यानी सप्लाई जोड़ा। सिमिलरली, सप्लाई आने के बाद आपका TV ऑन नहीं होता। आपके TV में पावर आता है, पर आपका TV डिस्प्ले नहीं कराता। डिस्प्ले कराने के लिए आपको एक चीज की जरूरत होती है, और उसे आप ऑन करते हैं, दैट इज रिमोट टर्मिनल, यानी रिमोट से आप अपनी TV को ऑन करते हैं। जैसे आप रिमोट से TV को ऑन करते हैं, तो आपकी TV पे डिस्प्ले आने लगता है। सेम ऐसा ही बच्चों, जब तक हम गेट टर्मिनल से बायसिंग नहीं करेंगे, हम फॉरवर्ड बायसिंग नहीं करेंगे, गेट टर्मिनल को हम एनर्जाइज नहीं करेंगे, तब तक मेरा डिवाइस ऑपरेट नहीं होगा, और यह रीजन है हम गेट टर्मिनल को बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल। सबसे पहले चीज हमने समझी। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में गैप क्यों है। तो इनके बीच में गैप इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 के लेयर से इसको आइसोलेट किया है।
एंस आप नाम से ही समझेंगे मॉसफेट में, तो मॉसफेट के अंदर जो गेट टर्मिनल होता है वो इंसुलेटेड होता है किसे, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल से। और इसी को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे गैप किया हुआ है, यानी गेट इंसुलेटेड है। एन चैनल मॉसफेट कहलाएगा कि पी चैनल मॉसफेट कहलाएगा, उसको आप समझ लीजिए। जो एन चैनल मॉसफेट होगा उसमें सोर्स से करेंट अंदर की तरफ जाएगा, और जो पी चैनल मॉसफेट होगा उसमें सोर्स टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ आएगा। अब अगले इंपॉर्टेंट पास क्वेश्चंस को हम समझते हैं बच्चों, कि इन दोनों के बीच में भी गैप हमने दिखाया है, इन गैप्स का मीनिंग क्या है। तो इन गैप्स का मीनिंग भी यही है बच्चों, कि ये टर्मिनल्स आपस में, यानी सोर्स और ड्रेन आपस में इंसुलेटिंग एजेंट यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से इंसुलेटेड होते हैं, और इसीलिए यहाँ हमने इनको गैप से रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों इसी भी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, जो मॉसफेट होता है उसमें गेट इंसुलेटेड होगा, सोर्स ड्रेन आपस में इंसुलेटेड होंगे। और इसी इंसुलेशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमने गेट टर्मिनल को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लेयर पे हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये सेम फेनोमेनन बच्चों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे गेट टर्मिनल इंसुलेटेड है, सोर्स टर्मिनल और गेट टर्मिनल आपस में इंसुलेटेड है, सिमिलरली ड्रेन टर्मिनल भी इंसुलेटेड है। अब बच्चों जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट के कंस्ट्रक्शन में कभी कभी बॉडी डायोड का चर्चा होता है, तो बॉडी डायोड के लिए कुछ ऐसा सिंबल बना होता है। तो बॉडी डायोड मॉसफेट में क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जब हम मॉसफेट के स्कीमेटिक डायग्राम और वर्किंग के बारे में डिस्कशन करेंगे तब हम समझेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत।